बड़ी खबर बता रहे, एक्शन मोड में है कानपुर पुलिस। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश मेहताब घायल हुआ है और उसके साथ ही फरार हो गए। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां पर एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है कानपुर पुलिस। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है और उसके कई साथी फरार हो गए। सुजातगंज के पास से ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एक्शन मोड में है कानपुर की पुलिस। मुठभेड़ में एक बदमाश मेहताब घायल हुआ, उसका साथी फरार हो गया। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, एक्शन मोड में है कानपुर पुलिस, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस ने इनके एनकाउंटर का सिलसिला जारी कर रखा था, उसी कड़ी में अब तक लगभग 100 से ज्यादा एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर कानपुर की पुलिस कर चुकी है। इसी कड़ी में आज देर रात करीब 2 बजे पुलिस को जानकारी मिली कि एक दूसरे जिले का रहने वाला मेहताब, जो की कानपुर से समेत कई आसपास के जिलों में भी कई लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, वो एक आज यहाँ पे चाट मिल के पास कहीं आसपास देखता उसकी जानकारी मिली, जिसके चलते बादशाही नाका पुलिस जो इंस्पेक्टर है अरुण कुमार, उनके साथ उन्होंने कई थानों के फोर्स के सूचना दी और उसके बाद अधिकारियों के आदेश पर इसकी घेराबंदी की, जिसको इसकी काफी प्रयास के बाद इसे सुजातगंज क्रॉसिंग के पास इसको घेर लिया गया, और जहां पर इसकी दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी और इसका जो साथी था वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल अभी मेहताब को गिरफ्तार करके उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके दूसरे जो साथी हैं और उनके अलावा उसका जो गैंग है उसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। जी सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, एक्शन मोड में समय कानपुर पुलिस है। मुठभेड़ में एक बदमाश मेहताब घायल हुआ है, उसका एक साथी फरार हो गया।